अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का ओवरव्यू आपसे शेयर करती चलूं, जो कि कुछ इस तरह का होगा। कैनवा ओपन करके सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे वीडियो वर्क के ऑप्शन को। इसे चूज़ करने के बाद हमें एक सिंपल स्लाइड जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लस आइकन पे क्लिक करके एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च बार में रिटर्न करेंगे नेचर बैकग्राउंड और इसे कर देंगे सर्च। नेचर के मुतल्लिक जितने भी बैकग्राउंड्स हैं वो हमें इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम इधर ग्राफिक्स में भी ले सकते हैं और फोटोज़ में जाके एज आ इमेज भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर ग्राफिक्स में ही चूज़ कर लूँगी। मैं इधर से एक बैकग्राउंड चूज़ करूँगी लाइक ये फोर्थ वाला और इसे कर लूँगी अपनी स्लाइड पर फिक्स। वाइट एरो को खींच के मैं कर लूँगी इसे अपनी स्लाइड पे फिक्स। स्लाइड के साइज़ के मुताबिक मैं अपनी पूरी स्लाइड इस बैकग्राउंड से कर लूँगी कवर। देन अगेन हम एलिमेंट्स में जाएंगे, सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगी एनिमेटेड ट्रीज और कर दूँगी सर्च एनिमेटेड ट्रीज। रिटर्न करके इसे कर दूँगी सर्च और मैं क्लिक करूँगी अब ग्राफिक्स पे। मुझे PNG में ट्रीज चाहिए। यहाँ पे कुछ एनिमेटेड करेक्टर्स जो हैं वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक इधर हमें ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं और कुछ एनिमेटेड करेक्टर्स हैं लाइक नोटबुक, बल्ब, बर्ड्स, ये वॉकिंग मैन, कैट। एनिमेटेड का मतलब मूवमेंट वाले करेक्टर्स जो है ना वो वाले। तो मुझे ट्री चाहिए सो मैं इधर से कर लूँगी एक ट्री को सिलेक्ट। ये थर्ड वाले को करूँगी सिलेक्ट और ये मुझे मेरी स्लाइड पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसे करूँगी रिसाइज़ और अपने टेस्ट के मुताबिक जहाँ भी मुझे अच्छा लगे मैं इसे कर दूँगी फिक्स। तो मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगी और इसे यहाँ पे कर दूँगी फिक्स। इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करूँगी। यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा उठा के, मैं इसे थोड़ा पीछे ले जाऊँगी। इसका साइज़ अभी भी थोड़ा जो है वो लार्ज है, मैं इसे कर दूँगी स्मॉल। सो अच्छे से मैं इसे इधर फिक्स कर दूँगी। देन मुझे ऐसे दो तीन और ट्रीज चाहिए तो मैं अगेन एलिमेंट्स में जाने की बजाय इसी ट्री को कॉपी करके जहाँ भी मैंने यूज़ करना हो उसे यूज़ कर सकती। ट्री को थोड़ा पुश किया मैंने और ऑप्शन हमें ऊपर शो हो रहा था, मैंने उस पर सिंपली क्लिक किया और ये हमारा कॉपी हो गया। सो मैंने अब इसको कर दूँगी इधर फिक्स। अब मैं अगेन एलिमेंट्स पर जाऊँगी सर्च बार में, इधर मैं रिटर्न करूँगी बर्ड्स। अब मुझे एक बर्ड चाहिए सो मैं इधर रिटर्न करूँगी बर्ड और इसे कर दूँगी सर्च। ग्राफिक्स में कुछ बर्ड्स जो हैं वो मुझे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने इसे एनिमेटेड का ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ था सो ये बर्ड्स जो हैं वो मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। सारे बर्ड्स जो हैं देखिए आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट हो रही है क्योंकि मैंने एनिमेटेड का ऑप्शन जो था वो ऑन किया हुआ था। मैं इधर से मुझे जो भी बर्ड अच्छा लगेगा मैं कर लूँगी चूज़। सो मैं ये फर्स्ट वाला चूज़ करूँगी और ये मुझे मेरी स्लाइड पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, मैं इसे करूँगी स्मॉल और जहाँ पर मुझे इसकी नीड है मैं इसे कर लूँगी इसे फिक्स। अगेन मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगी, इधर एलिमेंट्स में जाऊँगी और सर्च बार में जाऊंगी। इधर से अब मुझे चाहिए 3D करेक्टर्स, मीन के 3D में मुझे कुछ करेक्टर्स चाहिए। अब मुझे किसी गर्ल या किसी बॉय को अपने स्लाइड पे ऐड करना है, उसके लिए मैं सर्च करूंगी 3D करेक्टर्स। ग्राफिक्स पे क्लिक करूंगी, इधर मुझे 3D करेक्टर्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन ये ग्रुप वाइज हैं, मुझे सिंगल पर्सन चाहिए। सो मैं अगेन सर्च करूँगी, इधर से शायद मिल जाए हमें कोई अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट कोई करेक्टर मिल जाए, बट नो। मुझे ऑप्शन नीचे मिला था कार्टून पर्सन का, मैंने सिंपली वहीं पे क्लिक किया और मुझे इधर कुछ कार्टून्स लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स शो होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं इधर से एक करेक्टर सेलेक्ट कर लूँगी अपनी स्लाइड के लिए। सो मैं इसे रिसाइज़ करके मुझे जिस जगह पे इस चाहिए वहाँ पे मैं इसे कर लूँगी सेट। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगी क्योंकि जो हमारा बर्ड है वो है थोड़ा हाइट पे और मैं इसे लो हाइट पे रखूँगी।
हमारी स्लाइड की ओवरलुक क्रिएट हो चुकी है। अब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए सिंपली मैं वर्ड पे क्लिक करूँगी, एनिमेशन पे क्लिक करूँगी और टूल्स में जाके मैं इसकी खुद एनिमेशन क्रिएट करना चाहूँगी। यहाँ से मैं वर्ड्स को जिस जिस साइड पे मूव करूँगी वो उसी साइड में एनिमेट करता जाएगा। मीन मैं जैसी एनिमेशन इधर क्रिएट करूँगी वो वैसे ही मूव करता जाएगा। सो अब ऐसे ही मैं गर्ल पे क्लिक करूँगी, इधर एनिमेशन पे क्लिक करूँगी, टूल्स में जाऊँगी और ख़ुद से जो है वो एनिमेशन इसकी क्रिएट करूँगी। अब मैं गर्ल्स को जिस साइड पे मूव करवाऊँगी वो उसी साइड में एनिमेट होगी। सिंपल फीचर्स एंड आइकन्स को यूज़ करते हुए हम ऐसे मज़े की वीडियोज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो का साइज़ भी स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो का साइज़ 5.3 सेकेंड का है। सिंपली वीडियो को ड्रैग करके मैं इसका साइज़ जो है वो लार्ज कर सकती हूँ। इसको सेव करने के बाद अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कोई भी वॉइस ओवर इसमें ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो टॉकिंग विद गर्ल की ऑडियो वॉइस मैं सेव करके इस वीडियो में ऐड कर सकती हूँ। एक मज़े की जो वीडियो है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।